यो 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 भाई लोग, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि यार आप सब लोग दोस्तों यार यहाँ पर बहुत बढ़िया होंगे और मजे कर रहे होंगे। स्वागत करता हूँ मैं आप सभी लोगों का दोस्तों यहाँ पर। गाइज, आरिश खान की नहीं एके टेक्निकल पॉइंट की हमारी लेटेस्ट और ब्रांड न्यू वीडियो में। और आज की इस वीडियो में दोस्तों ये जो हमारा व्लॉग वाला एपिसोड होने वाला है, तो आपको पता होगा पिछले एपिसोड में आपने देखा होगा कि हमारी बहुत सारी कार्स हमने यहाँ पर इंडिया से जो है इम्पोर्ट करवाई हैं। क्या ट्रेवर और जिमी तुम दोनों को पता है? जिमी को तो पता है, ट्रेवर तुझे पता है? नहीं भाई, मुझे तो नहीं पता यार। पता कितनी सारी गाड़ियां हमने इंपोर्ट करवाई है, अगर तू देख लेगा ना लिटरली भाई तू फैन हो जाएगा। तू कहेगा यार अभी मुझे ये गाड़ी दिखा दे। ये जो देख रहा है तू एक्सयूवी 700 सामने खड़ी है, ये हमने थोड़ा पर्सनल यूज के लिए यहाँ पर निकाल रखी है, समझ गया? अच्छा अच्छा अच्छा। तो दोस्तों हमने जो हमारी सारी की सारी कार्स हैं वो हमने गोडाउन में खड़ी कर रखी है। अभी सबसे पहले हम जो है अपने गोडाउन में जाने वाले हैं, वहां पर जाकर देखेंगे कि सारी गाड़ियां सेफ हैं या नहीं, ठीक है ना। और मुझे सूट वूट भी यहां पर पहनना है क्योंकि अपना ऑफिस यहां पर बिल्कुल तैयार हो चुका है। क्यों जिमी? शोरूम तैयार हो गया बिल्कुल, फर्नीचर वर्नीचर सब कुछ लग चुका है। उसका फोन आया था मेरे पास यार। मैं तुझे काम धाम के बारे में कह रहा था यार, मुझे वहाँ काम पे लगा ले शोरूम पे अपने। शोरूम पे हाँ मैं बेच लिया करूंगा कार। चल ठीक है। वैसे जिमी तूने वहाँ पर एम्प्लॉयज बुलाए हैं क्या? कोई रिसीव वगैरह आया है, बंदे वगैरह? गोली ना दिए यार, रखना तो बता दियो। नहीं नहीं गोली दूंगा है जिमी, तू बता तूने दिया है किसी के लोगो इंटरव्यू के लिए कुछ? अभी नहीं आया कोई, अभी नहीं आया। तो दोस्तों हमने अपना आदमी, हाँ बताओ बोलो। तुम्हारा अपना आदमी खाली फिर रहा, तुम एम्प्लॉय ढूंढते फिर रहे यार, ये कोई बात है? अरे मुझे लगा यार वहाँ काम क्या। हाँ तू तो लग जाएगा एम्प्लॉय में, उसके लिए ढूंढ रहा हूँ। जैसे कोई गाड़ी वगैरह किसी ने खरीदी धुलवाने के लिए, सर्विस के लिए, कपड़ा वपड़ा मारने के लिए और भी है ना। ठीक है ठीक है, मैं कपड़ा भी मार लूंगा, ऐसी बात नहीं है यार, मुझे तो पैसे चाहिए। ठीक है चल पैसे ले लिया यार तू। नहीं कोई बात नहीं, आपको रख लेंगे हम शोरूम पे। और रख ले यार। यार सबसे पहले ना देखो यार, मैं बॉस हूँ आगे, तो मुझे थोड़ा सा अच्छा लुक बेटर होना चाहिए ना अब यहाँ पर। हाँ हाँ ठीक है, चलो आ जाओ। पैसा तो मेरे पास बेटे, मैं यहाँ पर सीधा खरीद के पहनता हूँ जिमी। मैं कैसी बात कर दी तूने? क्रेडिट कार्ड तो मेरा यूज कर रहा तो यार गंजे। फालतू ना बोल ले। तो ये बढ़िया लग रहा है, चल बस। चलो भाई आ जाओ। चलो चलो जी साहब चलो। हाँ यार साहब ना बोल ले यार, ड्राइवर तो दोस्त है यार अपना। अच्छा हाँ यार, मैं यार मुझे शर्म लग रही, देखिए मेरी हालत कैसी बुरी और तो साहब लग रहा। अच्छा चल अच्छा, मैं तुझे कपड़े दिलवा दूंगा वहाँ के, ठीक है जिमी को। जिमी बैठ जा, क्या कर रहा? बैठो ज्यादा वो ना बना कर, तू समझ गया? अरे वो एक हमारी है ना रेंज रोवर भी आई आज। अच्छा समझ गया, एक मैं रेंज रोवर आ गई क्या वो? यार ट्रेवर मैंने ना एक रेंज रोवर मंगवाई अपने पर्सनल, देख मालिक हूँ ना मैं तो शोरूम में आया जाया करूंगा, तो अपने एक पर्सनल यूज के लिए मैंने रेंज रोवर मंगवाई, जो कि पता मेरे को कितने की पड़ी? कितने की पड़ी है वो? 4.5 करोड़ रुपए की। अभी तक अभी वाला मॉडल लॉन्च नहीं हुआ। चल सबसे पहले हम ना उसी को पिकअप यार, मुझे वो वाली गाड़ी दिखा यार मुझे। जी भी कौन से कलर में मंगवाई थी हमने, ब्लैक या व्हाइट? तीन कलर मंगवाई, एक व्हाइट है, एक ब्लैक है और एक रेड है। तीन कलर है तो शोरूम पे रखेंगे जाएंगे, और एक तुम्हारे लिए मंगवा दी मैंने। यार यार तूने शोरूम के लिए क्यों मंगवाई गाड़ी? मेरे पर्सनल यूज के लिए भाई, ऑर्डर आ रहे उसके, ऑर्डर आ रहे मेरे पास, समझ गया? पैसा चाहिए भाई। अच्छा और जो कंपनी थी उनको पेमेंट कर दी तूने अभी तक, या अभी तक नहीं करी? हाँ कर दी मैंने सारी पेमेंट कर दी, क्योंकि मैंने एडवांस पकड़ रखा पीछे पार्टी से भी, इसलिए। फिर तो सही है, किसी को भी ना पहले पेमेंट से पहले मत देना, वरना बेटा हम घाटे में आ जाएंगे, समझ गया? नहीं नहीं नहीं, हाँ पेमेंट में पहले एडवांस ले लेता हूँ फिर गाड़ी मंगवाता हूँ आगे। हाँ चलो दोस्तों हम फटाफट जल्दी जो है पहुँचने वाले हैं। यार जिमी मेरे से इंतजार नहीं हो रहा, कब मैं यहाँ पर जो है गाड़ी चलाऊंगा अपनी नई रेंज रोवर में बैठूंगा। भाई तेरे लिए मंगा तो दिए, अब तू तो इतना खुश हो रहा है, चल आप देखो चला ले इसको यार, तू हर बार इसको तोड़ क्यों देता है? अबे भाई वो खोलते नहीं, उनके सेंसर खराब हो रहे, मेरा क्या है, मेरी क्या गलती इसमें? चुप बैठ रहा है जिमी, समझे पैसे देने पड़ते हैं इन लोगों को, समझ गए? इस गाड़ी का इंटीरियर तो इतना घटिया सा ना, एक्सयूवी 700 क्या बताऊं मैं, बस सही है जब तक तो ये यूज कर रहा था तो, समझ गया? अब तुझे कोई ओए ट्रेवल कैसा है? हां अरे ठीक सा लग रहा बस। ये हमारे ही है।
हाँ ये वाले हमारे पीछे लिमोजिन पता नहीं किसी और की आई होगी मेरे ख्याल से। अच्छा हाँ किसी ने मंगाई होगी इंडिया में। हाँ इंडिया से मंगाई है। नहीं ये वाली तो इटली से आई है कार्स। अच्छा अच्छा हमारी ये कार। हाँ ये पता नहीं भाई ये इटली से आई है हमारी वाली। अच्छा हेलो सर जी क्या हाल है। बढ़िया बढ़िया यार बड़ी देर कर दी मैंने आपको सुबह कॉल किया था जिमी को कॉल किया था और आप अरे 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 वो ना थोड़ा सा हम बिजी चल रहे हैं थोड़ा टाइम टेबल शेड्यूल थोड़ा खराब चल रहा है थोड़ा बिजी सा ना तो आपने सारी गाड़ियों को चेकअप करवा दिया। हाँ चेकअप करवा दिया यार आप लोगों का हर बार का ड्रामा होता है यार। चलो कोई बात नहीं कभी कभी हो जाता है यार सर जी थोड़ा सा यार धूम में तेरा काम है खड़े होने का यार क्यों तड़ी सी दे रहा तू माइकल दादा को पता भाई मंगवानी पड़ती है भाई जिम्मेवारी है मेरी भाई समझ गए। चल ठीक है थोड़ा जल्दी आया करो यार आगे से। हाँ ठीक है चल पेमेंट वगैरह सब कुछ रिलीज हो गई थी ठीक है ना सब कुछ है ठीक है ओके जिमी। हाँ भैया बताओ। उसे राजू को फोन कर ट्रक ट्राला लेकर आएगा और वाइट वाली और वो जो कॉफी वाली है ना और ये एक्सयूवी 700 शोरूम पर लेकर जाएगा गोल्ड वाली में चलेंगे। पीछे अगर जैसे हम ना कहीं पिकनिक पे जा रहे हैं एक चीज दिखाऊं तुझे ये देख। अरे वाह और ये इसके पीछे बैठ जाओ अपने देख रहा है और हथियार हथियार पूरा हमें इसमें तो भाई। हाँ फिर इसे अपनी को आराम से बंद कर दो देख रहा है। हाँ बेहतरीन है क्या मस्त लग रही है और देख अंदर से इंटीरियर दिखाओ मैं तुझे ये देख डिस्प्ले देख कितनी है और ये देख तेरे यहाँ पे भी डिस्प्ले। हाँ भाई बहुत ही अमीर लोगों की गाड़ी है भाई साहब देख रहा है इसके गियर वगैरह भाई सब कितना खूबसूरत लग रहा है हर चीज है भाई पैसे वसूल है भाई इस गाड़ी में तो है ना पैसे करोड़ की है सनरूफ दिखाई इसका सनरूफ ना सनरूफ नहीं कभी कभी खोल ले उसे तो समझ गया। अच्छा घर का गुर्दा आ जाएगा यार। हां सही कह रहा हूं गुर्दा आ जाएगा अभी जरा एक बार राजू आ जाए इन गाड़ियों को लेकर निकलता है फिर हम भी निकलते हैं यहाँ से है ना। तो ये बाकी दो गाड़ी ट्रक में भिजवा रहे क्या। हाँ ये ट्रक में जाएंगे और वो एक्सयूवी सारे यार जाएगी यार एक जिम्मी चला लेगा एक मैं चला लूंगा हम चला के भी देख लेंगे पीछे पीछे चल रहे तेरे लेके ना चला लेगा जिमी है कर लेते हैं चलो एक काम करते हैं हम साथ में चलते हैं लेकिन भाई हिसाब से चलाना धीरे धीरे भाई देखो बहुत महंगी गाड़ी है यार आराम से चलाना ठीक है ठीक है ठीक है। बाकी जो कार इंडिया से आ रही कार उन्हें ट्रक में मंगा लो। अरे नहीं वो तो आ गई थी वो तो गोडाउन में खड़ी है एक गोडाउन में। हाँ उन्हें देखना है जाकर एक बार ट्रक का क्यों खर्चा करना है तो हम तीन आदमी है तो हम ले जाएंगे ठीक है भाई आराम से चलाऊंगा टेंशन ना ले जिमी आराम से चलाना से चलाएंगे आप चिंता ना करो ठीक है। हाँ आ जाओ चलो 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 तो दोस्तों भी गाड़ी में आ चुके हैं एक्सयूवी 700 तो मैं मंगवा लूंगा उसकी कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है तो चलो भाई आओ उसको तो बोल दिया मैंने राजू को वो लेकर आ रहा है। हाँ हिसाब से रहना ठीक है रोड पे को। हाँ रोड पे को आ रहे हैं बिल्कुल धीरे धीरे आ रहे हैं क्योंकि इतनी महंगी 4.5 करोड़ की है और फिर इसमें कस्टम भी लगा 1 करोड़ रुपए तो 5.5 करोड़ की पड़ गई भाई। हाँ कैसी चल रही मजा आ रहा है एक वो समतल दूरी तय करके रखना तुम्हारे पीछे जाएगा वो चिंता ना करो मोड़ के ला रहा क्या मोड़ मार कर आएगा वो अलग में है ना टेस्टिंग करने लगता है वो होशियार जाते ही बनता है भाई। अरे यार मैं तुम टेंशन ना लो यार मैं आ रहा हूँ शोरूम पे तो पहुँचना। हाँ मैंने जीपीएस लगा रखा मैं देख रहा इसका बिल्ड क्वालिटी देख रहा मैं गड्ढे गुड्ढे में आवाज तो नहीं आती इसमें जिस तरह ये एक्सयूवी 700 है ना खड़कने लग जा गड्ढों में लेकिन इसे मैंने गड्ढों में डाल के देखी गाड़ी को वहाँ गड्ढे थे पीछे रोड पे कोई चलाओ भाई सब ठीक है। अरे तो टेंशन आराम से चलो तो बाहर आ गए हम चलो कोई बात नहीं धीरे धीरे आ रहे हैं तुम्हारे पीछे तुम चिंता ना करो पैसा तो मेरा भी लगा हुआ इसमें आधा भाई 50%। हाँ पता है मुझे जिमी जताता क्यों है यार नहीं बताना पड़ता है ना तू ज्यादा ही चौड़ा हो रहा है भाई गोल्ड कलर की पहले मार ली तूने तेरे लिए स्पेशल मंगवाई है मैंने
हाँ हाँ पता है मुझे, स्पेशल मंगवाएंगे। अच्छा चल आराम से आओ, आराम से। हाँ हाँ बिल्कुल आराम से यार, हम तो आराम से चल रहे, तू ही जा रहा रॉन्ग साइड बार बार। भाई रॉन्ग साइड है क्या? और अपनी साइड में चल, ओ इधर से कट लेना, आ जाओ। तो दोस्तों आ रहे हैं, वो भी हमारे पीछे पीछे, आ जाओ इधर से। आ रहे यार, यार ये टैक्सी वाला क्या है, ये भीड़ भड़का कर रखा शहर में, गुस्सा दिला रहे। तो भाई ये रोड तुमने खरीद लिया का भाई है कि नहीं, उनका भी तो रोड है। आराम आराम से चलाओ यार। पता नहीं कैसे लोग हैं भाई, कैसे चल रही गाने गुने तो चलाए तुमने, छेड़खानी ना करी, ज्यादा पन्नी पुन्नी ना उतारियो कहीं, वरना ठीक है। अच्छा जी, अच्छा अच्छा साहब, अच्छा साहब भाई हमें भी दिख रहा मोड़, हमें भी दिख रहा भाई, हम आ गए हैं यार। इसकी गाड़ी है जिमी, क्या हो गया भाई? ट्रक मंगा ले, ओ भाई ट्रक मंगा ले, तो नहीं लेता जा अपनी गाड़ियों को, हम तो कहीं और पोचा पच्चा मार लें, कहीं और वो कर लेंगे नौकरी। यार जिमी कैसे चला रहा है, पीछे पीछे आ रहे भाई, तू तो आगे को चल ले कम से कम, को चढ़ा दोगे क्या? चढ़ा देंगे, चढ़ा देंगे। लिया क्या करा जिमी, तूने कितनी तेज स्लिप मारी यार, ऐसे गाड़ी को भी बिल्कुल तू समझ रहा, कागज की गाड़िया 5.5 करोड़ दे रखे है, कागज की नहीं है, समझ गया बात तो पता नहीं क्या सोच रहा है। रगड़ मारती रगड़ तू, नहीं मारी कहीं भी नहीं मारी, देख 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 तू मारेगा रगड़। तुम हम तो ट्रैफिक में आराम से आवेंगे भाई, हमें इतनी जल्दी है, लाल बत्ती हो रही, मैं इस मोड़ पे खड़ा ही आ जाना। आ जाएंगे चल, ठीक है ठीक है, इतने तो है ना शोरूम पे पहुंच, हम वही आ रहे। हां अरे नहीं, साथ साथ चल रहा, हो गई बात, पता नहीं कहां रुक जाओ। चलो कहीं नहीं रुक रहे हम, तो सही चल रहे, तेरा ही नहीं पता, तू बतिया तोड़ तोड़ के भाग रहा, उड़ा दिया भाई हम हिसाब से चलते हैं, कहीं बंद उड़ा। अबे और डिग्गी क्यों खोल दी तूने, ड्राइवर पागल भाई, मुझे क्या पता यार कौन सा बटन था आयो यार, यार क्या है यार, तुम्हें कुछ नहीं पता यार, यार मैंने तो ऐसे बीड़ी पी रहा था मैं इधर, ये मेरा हाथ लग गया, कौन सा बटन मुझे तो पता नहीं, उसने देख बे यार भाई, तू और गलत छोड़ कर रहा अपनी कार को, मार तो इतनी गोलियां भर दे इसमें, इसकी कार भर जा, डिग्गी भर जा, इसमें भी भर साले में, ये काम कर भाग रहा है इसे कुछ भी, और बेवकूफ आदमी, पता नहीं कैसे कैसे लोग हैं, बीच में रोड में आके डिग्गी खोल लिया, वो खोल रहा हूँ, सिस्टम चेक कर रहा हूँ बेचारा, अभी नहीं गाड़ी मिली। हाँ यार बीड़ी जला रहा था, मेरा हाथ लग गया भाई, कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं हुआ भाई, तुम ना आ जाओ जल्दी से, मैं जा रहा। ठीक है मारे, कोई बात नहीं, तो पहुँच ही चले। चलिए यार मैं थोड़ा जल्दी चलाकर शोरूम में पहुंचता हूँ, क्योंकि उस बंदे की मुझे बार बार कॉल आ रही है कि सर आ जाओ आ जाओ, पता नहीं कहाँ रह गए आप यार, बस क्या ही बोलूं मैं। ड्राइवर आवाज आ रही है मेरी? आ रही भाई, आ रही आवाज, आ रही मेरा, आ रहा पीछे पीछे ही हूँ थोड़ा पीछे। वो डिग्गी बंद कर लिए मेरे भाई, ठीक है यार, मुझे समझ में नहीं आ रहा किस तरह बंद हो, खुली रहने दे तू यार, ये पता नहीं अच्छे खासे को, इतना अच्छा मैं ट्रक में लिया था, मेरा खून जला दिया तुम लोगों ने, इतना मेरे बना नहीं पूरी रात में जितना जल गया। अभी इतनी ऑटोमेटिक गाड़ी हमें क्या पता है इनके बारे में, इतना क्या पता इतने बारे में बे यार, तुम भी पता नहीं, बस यार क्या बोल लूं मैं तुम लोगों को, मैं तो क्लच दबाना गियर लगाना है, वैसे भी ऑटोमेटिक है, ऑटोमेटिक है भाई, स्पोर्ट्स नॉर्मल मोड में चलाना, कभी स्पोर्ट्स मोड में भगाओ रखो तुम इन्हें, पता नहीं भाई अभी तो पीछे रह गया यार दोस्तों, बस हमारी रेडियो पे बात हो रही है। ओए जिमी बताना तुझे रास्ता, बता मुझे, यानी अपना शोरूम है मैं खुद भूल जाऊंगा, सही जा रहा भाई तू, आज पता नहीं क्या हो रहा मेरे दिमाग को यार, पागल हो गया है तो और कुछ नहीं। तो फाइनली हम जो अपने शोरूम पहुंच चुके हैं, और हमने जो है जिमी कितने पैसे लग गए हमारे शोरूम के ऊपर भाई, इसमें तो अरबों खरबों रुपए लग गए। हाँ बट दोस्तों ऐसा बना है कि अच्छा है, ये देखिए ये रहा, और गाड़ियां जाने के लिए, अबे हट जा नेता, गुस्सा दिला दूर थी, बच गई भाई गाड़ी जरा जी। तुझे कैसे दिख रहा ड्राइवर, मैंने डिस्प्ले लगा रखी तेरी भी गाड़ी की सारी, क्या मुझे? हाँ
ओके, तो ये वाला रास्ता तो इधर से जाएगा, हमें पीछे वाले रास्ते जाना होगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ, उतरी ये ड्राइवर आ गया पीछे। भाई इसे तो बंद कर लेते यार, तुम दोनों आ गए। मैं यार बंद नहीं हो रही, मैं क्या करूँ। आजा जिमी, आजा इधर को। ठीक है कोई बात नहीं, तेरे पीछे पीछे आ रहा हूँ मैं, तुम तो पहुँचो पहले। लिया 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 लिया, अंदर को दोस्तों, ये वाला रास्ता जा रहा है। ओके फाइनली, उतरी। कितनी तेज लाया तू, कहीं नहीं तेज ले, हाँ कहीं नहीं तेज है, इतनी तेज है बिल्कुल, आराम आराम से तो ले पा रहा हूँ मैं। वो कहाँ घुस गई हो यार, ले आओ। तो फाइनली दोस्तों, हम जो शोरूम में आ चुके हैं अपने अंदर, और भाई साहब हमें जो दूसरे फ्लोर पर इन सभी की सभी गाड़ियों को दोस्तों जो है खड़ा करना है। यहाँ पर ट्रेवर को भाई मैंने जॉब पर तो लगा दिया है। भाई ट्रेवर क्या कर रहा है यार, ट्रेवर तू क्या कर रहा है, क्या है हरकत है, क्या? कुछ नहीं यार, क्या कर रहा हूँ मैं यार, कुछ नहीं कर रहा, मैं देख रहा हूँ यहाँ खड़ा हो गया। ये तो देख रहा है तू, ये क्या है, ये खड़ा हो गया। कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं, कस्टमर भी नहीं है अभी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आगे से ध्यान रख लगायो। ठीक है यार, पता नहीं कैसे हरकतें करो तुम यार, ये लोग है ना आदत से मजबूर है, आदत से यार, थोड़ी प्यास सी लग रही थी मैंने तो सोचा बियर नहीं, अंगूर का पानी है भाई, बाहर देश से मंगवाया है। पूरे आप सब यहाँ पर देख पा रहे हैं अपने वो लगे हुए ग्लासेस जो सामने एंट्री के लिए, आप सभी लोग यहाँ पर देख लीजिए, और इससे जो है बंदा एंट्री हो जाएगा। और एंट्री पर ही दोस्तों, और यहाँ पर जो है बेसिकली अभी 2021 थार का मॉडल खड़ा है, ठीक है ना। अभी कल और सारे यहाँ पर व्हीकल्स जो है हमें यहाँ पर जो है लगाने हैं गोडाउन से लाकर, ठीक है। और आप सभी लोग दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, थार खड़ी है यहाँ पर 2021 मॉडल, और इन गाड़ियों को ऊपर ले जाने के लिए ये एक लिफ्ट है। इस लिफ्ट में जो है गाड़ियाँ ऊपर जाती हैं, ठीक है, दूसरे वाले फ्लोर पर, और बंदा जाना है तो बंदा इस वाले लिफ्ट से दोस्तों यहाँ पर जो ऊपर चला जाता है। ये लिफ्ट खुल गई, इससे बेसिकली अगर लिफ्ट से जाता तो यहाँ पर एक स्टेयर्स भी लगे हुए हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर एक प्राइवेट ऑफिस भी मैंने ऊपर जो है बना रखा है, नीचे टॉयलेट्स हैं, आप सब लोग देख लीजिए कितने ज़्यादा शानदार हैं। जिमी कैसे लग रहे, बहुत जबरदस्त भाई, टॉयलेट है एकदम जबरदस्त। यहाँ पर मेल हैं और ये फीमेल्स के लिए हैं, बढ़िया लग रहा ना जिमी, बहुत बढ़िया लग रहा है। मेरा कैबिन यहाँ, ट्रैवर यहाँ नीचे रहा करेगा अगर इसने अच्छे से यहाँ पर जॉब करी अच्छे से। हाँ भाई ड्राइवर कर लेगा ना यार, तुझे एक पीसीबी दे रखा, तुझे समझ गया। अरे कर लूंगा यार। हाँ ठीक है, और चलिए मैं अब आपको ऊपर लेकर चलता हूँ। ये रेंज रोवर दोस्तों, अभी इसको बाहर निकालना है, हमने दोनों रेंज रोवर को तो ऊपर चढ़वा दिया, ठीक है। ये इस वाली बाहर खड़ी रही क्योंकि मेरे पर्सनल यूज़ के लिए, डेली मैं इसी को यूज़ करने वाला हूँ ना इसलिए, ठीक है। तो चलिए मैं अब आपको ऊपर लेकर चलता हूँ, तो आप यहाँ पर देख लीजिए, मार्बल ग्रेनाइट पत्थर लगवा रखा है क्यों जी, मैं बढ़िया लग रहा वाइट वाला राजस्थान से मंगवाया भाई। और यहाँ पर कुछ कार के जो यहाँ पर स्टैम्प पेपर्स वगैरह होते हैं, हम बाहर से लाने की जरूरत नहीं, हम सीधा यहीं से जो है नाम वगैरह कर दें गाड़ियों को, ठीक है ना। और यहाँ पर जो कस्टमर्स वगैरह आएंगे अगर वो थोड़े से बोर होते हैं तो पूल भी यहाँ पर खेल सकते हैं। और नीचे जो इंडियन कार्स होने वाली है, ऊपर जो हाई क्वालिटी कार्स जैसे कि सेकेंड हैंड लैम्बोर्गिनी और फरारी, हम इन गाड़ियों के अंदर भी डील करेंगे क्यों जिमी, है ना। हाँ, और यहाँ पर एक मैडम जी बैठेंगी जो कि ऊपर वाला सेक्शन संभालेंगी, ट्रेवर जो है इंडियन कार्स को संभालेगा, इसीलिए नीचे थार है। ये लिफ्ट से जो है गाड़ियाँ नीचे जाती हैं, तो ये दोनों तो बाहर की गाड़ियाँ हैं, इन दोनों को मैंने यहाँ लगवा दिया। यार इसकी डिग्गी नहीं बंद करी यार तूने, है ट्रेवर। अरे यार मुझे बटन ही नहीं पाया था, चल कोई बात नहीं, ले मैंने कर दी बस। तो चलिए दोस्तों, ये जो है इसकी बूट जो है बंद हो चुकी है, और जिमी ने भाई उसका इंजन ये छोड़ दिया है यार, जो सोचते हैं बहुत अमीर बाप की औलाद है, इतने भी अमीर नहीं हो जिमी, तुम समझ गए। तो दोस्तों यहाँ पर ऊपर जो बंदे आएंगे वो चिप्स वगैरह खा सकते हैं, कॉफ़ी के लिए मशीन यहाँ पर लगा दी है क्योंकि बहुत बेहतरीन लग रही है। और यहाँ पर एक ऑफिस है, तो दोस्तों यहाँ पर भी सारे दस्तावेज वगैरह रखे जाते हैं, और ये प्राइवेट कैबिन जो लोगों को, जिन लोगों को मैं प्रमोशन दूंगा तो वो लोग यहाँ पर काम किया करेंगे, देख लो ठीक है ना। और मेरा जो मेनली ऑफिस है दोस्तों, मेरा ये रहा प्राइवेट कैबिन, ये जो है अपने आप इसका दरवाज़ा खुल जाता है, ये मेरा छोटा सा प्राइवेट कैबिन है। कैसा लग रहा जिमी, बहुत जबरदस्त लग रहा है। यहाँ पर मैंने तिजोरी वगैरह भी रख रखी है ताकि इसमें मैं अपने जरूरी कीमती और डॉक्यूमेंट्स रख सकूँ। चलिए इसको खोल लेते हैं और यहाँ से दोस्तों बाहर चलते हैं, ठीक है ना। और एक और चीज़ यहाँ पर दिखाने के लिए जो मैं सामने वाले उसमें लेकर चलता हूँ, ठीक है। यहाँ पर जो है मीटिंग वगैरह होती है, कैसा है भाई ये,
बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, जबरदस्त मीटिंग के लिए है भाई ट्रेवर। बढ़िया लग रहा भाई ये तो। हाँ यार जिमी मेरा वो वाला ऑफिस है, मेरा ये है नहीं, ये तो वो है उनके लिए, किचन है मेहमानों के लिए है, तो मेहमानों के लिए यहाँ पर आएंगे वो खा पी सके, गेस्ट वगैरह किचन है, एलईडी भी लगा रखी है। यार मुझे पता नहीं जिमी नक्शे में तूने क्या क्या दिखाया था, पता ही नहीं मुझे अद्धा से ज्यादा सामान तो, बाकी जो बातें बढ़िया बना रखा। ये तो हमारा काम था यार दिखाने का, तेरा काम थोड़ी है, तो हम दिखा देते। चलो बहुत आदमी आके अपने ऑफिस में बैठ यार तू, ये क्या टेंशन लेते। ये भाई वो कैश में गाड़ियां बिका करेंगे ना, वो हम नोट यहाँ रखा करेंगे तिजोरियों में। अच्छा हाँ फिर तो सही है यार। चलो तो दोस्तों अब 4 करोड़ रुपए देखिए कितने हुए, एक ही गाड़ी का कैश भर जा करेगा। हाँ ये बात तो तू सही कह रहा है बिल्कुल। तो दोस्तों हम स्टेयर से जो नीचे जाते हैं, तो गाइस फाइनली हमने अपना जो शोरूम दोस्तों यहाँ पर जो है परचेज कर लिया है। अभी शोरूम के अंदर दोस्तों कल जो है कार्स वगैरह आने वाली है, जो भी हमारी गोडाउन में खड़ी है, और भी कुछ यहाँ पर यार एक गाड़ी का यार एक ही व्हाइट वाली रेंज रोवर है ना अपनी। हाँ इसका ग्राहक आने वाला है, कस्टमर आ रहा वो लेने के लिए और पैसा लेके आ रहा वो, जरा थोड़ी देर यहीं रहो, अभी जाइए ना कहीं, वो उन्होंने मुझे फोन कर रखा आ रहा वो आने वाला है। हाँ वो हाँ। गाड़ी अभी है कि अभी डिलीवरी चाहिए उन्हें, तो तुम खड़े रहो यार अभी यहाँ से। ठीक है चलो, उसका तो फोन आ गया। ठीक है चलो कोई बात नहीं, हम खड़े हैं। हाँ जिमी क्या कह रहा है, उसे अभी डिलीवरी देनी है। मैं बोल रहा हूँ उनके तो पहले ऑर्डर है मेरे पास, फिर दोबारा फिर मंगवानी पड़ेगी। अरे भाई वो कैश लेगा आ गए भाई, कैश पेमेंट है अपना। चलो ओए जो कैश पेमेंट है भाई जिमी उसे देंगे, ईएमआई वालों को बाद में देंगे, समझ गया तू। चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं, वो बस 5 मिनट में पहुंचने वाला अभी तो आप। राइट गाइस तो यार यहाँ पर हमने जो अपनी फाइनली फर्स्ट कार की जो है दोस्तों डिलीवरी दे दी है, जो कि रेंज रोवर आती है। हाँ भाई जिमी क्या कर रहा यार, फोटो खींच रहा हूँ, रील बना के डालनी पड़ती है अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे। हाँ तो भाई इंस्टाग्राम अकाउंट भी बना लिया। और ये यार ड्राइवर इतने पटाखे लगाने किन्ने कहा तुझे यार, मजा सा अच्छा सा लगे यार डिलीवरी में, ये देखे कितने खुश हो रहे हैं। कितने खुश हो रहे यार, तू भी बेवकूफ आदमी यार, तूने शोरूम कैसी तैसी करवा दोगा पहले ही दिन। अब ये देखो यार, एक तो उन्होंने सारी पेमेंट कैश में कर दी दोस्तों, देखो इन्हें गिन रहा है भी है, 4.5 करोड़ रुपए आए हैं। चलो कोई बात नहीं, ये गाड़ी हमें दोस्तों पड़ी है 3.5 करोड़ की होल सेल में, जो भी हमारा रेट होता है 1 करोड़ भर मुनाफा हो गया पहले दिन ही, सही है ना ड्राइवर। हाँ मजा आ गया, कोई नहीं गिन लूंगा यार मैं, सारी रात लगेगी मुझे ये। ठीक है मशीन तो रखी थी तुमने यार, ये गिनने की नौबत। जिमी को यहीं रख के जाइए ठीक है, जिमी को आज जिमी घर नहीं जाएगा। हाँ चल जिमी के पापा को माइकल को फोन करके कह दे जिमी आज घर नहीं आने का, तो मैं कह दूंगा आप गाड़ी लेकर। बढ़िया भाई बहुत बढ़िया यार, आपकी मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी, आपने साथ की साथ मुझे आज ही वो कर दी गाड़ी। हाँ। दे दी, वरना मैं दूसरे शोरूम में गया था, कोई हाँ। 1 साल की वेटिंग बोल रहा है, कोई 2 साल की वेटिंग बोल रहा है। अरे ये सबसे अच्छा आपने किया, हम ऐसे ही देते हैं, ऐसे ही देते हैं। हाँ तो इसीलिए मैं बहुत खुश हो गया हूँ भाई लोग आपसे। चलो ठीक है, आपका मैंने अपने पूरे रिश्तेदारों को बताऊंगा भाई, वहीं से गाड़ी लेनी है। चल इतना बोल, चुप रहे, इतना बोल ये क्या बोल रहा भाई तू, बदतमीज आदमी मालिक है तू तो लगता है आपने। अरे अरे नहीं, अरे नहीं सर कोई बात नहीं, उनका सर का बुरा मत मानना, मैंने आपको गाड़ी दी है तो आप टेंशन ना लो, खुश रहो बस। नहीं नहीं भाई साहब वो तो ठीक है, लेकिन आपके मालिक के गंजे से मुझे ज्यादा वो लग रहे नक्चडे से यार। अरे तुम टेंशन ना लो यार, अबे ट्रेवर उसे संभाल यार, चल मैं निकल रहा हूँ घर के लिए ठीक है, संभाल लेना तुम लोग शोरूम। ठीक है बॉस तुम जाओ, हमें अपना नोट नाट गिन के हम लगा देंगे उसमें, लगा देंगे हम। हाँ लगा दी। तो दोस्तों ये फर्स्ट डिलीवरी हो गई अपनी गाड़ी की दोस्तों, और अपना शोरूम फाइनली बन चुका है यार। अब यहाँ पर मस्त मस्त वीडियोस दोस्तों आने वाली हैं, लेटेस्ट हम यहाँ पर सुपर बाइक्स भी रखेंगे ठीक है ना, जैसे जैसे हमारी तरक्की होती जाएगी। कल भी 2-3 गाड़ियों की डिलीवरी, इंडियन कार्स वगैरह की भी, तो वो भी कल बहुत सारा शोरूम में काम है, तो आपको वो भी देखने के लिए मिलेगा। तो इसी बात पर दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब। बाकी यार हम मिलते हैं आपसे लेटेस्ट और ब्रांड वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए, खुश रहिए, बाय बाय।